एक प्रपोजल हमने तैयार किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कुछ सुझाव बैठ जाओ, कुछ सुझाव के बारे में सर, तो कुछ सजेशन आप दे दीजिए, बताइए। भर्ती परीक्षा है तो सुधार के लिए सर, एक तो भर्ती परीक्षा सुधार सर, मैं प्रपोजल में तैयार किया सर, देख लो इनका ये प्रवीण आगे आपके काम आएंगे ये चीज़ें। इन्होंने भारत सरकार के लिए राष्ट्रपति जी के लिए किया है तैयार, तो इसमें कुछ सुझाव दे रहे हैं, बताइए अपने सुझाव, बताइए रिकॉर्ड कर लो ये सुझाव इनके, बताइए बोलिए सर। पहला सुझाव ये है कि सर भारतीय परीक्षा जैसे हमारे भारत देश में चुनाव आयोग है वैसे एक हमारे हर एक स्टेट में, अभी ये सर सभी स्टेट की समस्या आए हैं सर, हमारे सभी स्टेट में भर्ती न्यायालय पर परीक्षा की स्थापना की जाए सर, और जैसे जो जो केसेस पेंडिंग बहुत ज़्यादा हैं हमारे माम नहीं, तो ये भर्ती के बारे में तो हर प्रदेश में आयोग बने हुए हैं। नहीं सर, तो भारत जैसे को भर्ती कोर्ट में चली जाती है तो सर 5-6 साल हो जाते हैं सर उसको क्लियर होने में, सर 5-5 साल लग जाते हैं, हमारे भारत देश के एडल्ट की सर एज निकल जाती है सर। समस्या तो है जेन्युइन की, चलिए आगे बताइए, पहली समस्या हो गई। हाँ और सर इसकी समय सीमा 6 माह तक सर इसे शुल्क समाप्त किया जाए सर, 6 माह के अंदर इसे पूर्ण किया जाए सर, 6 माह में, 6 माह के अंदर इसे पूर्ण किया जाए, पूर्ण किया जाए भर्ती को हर हालत में। यस सर, जैसे यूपीएससी करता है सर, यूपीएससी भी 1 साल लगा देता है, तो सर उसकी ना पेपर लीक होता है ना कोई कुछ होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है सर, और उसमें 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं सर। और सर हमारे हमारे राष्ट्रपति जी ने एक भाषण दिया था उसमें कहा था कि आप लोग कुछ करिए, सोचिए, हमारे जजेस से सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल कि जो केसेस पेंडिंग है उसके बारे में या जो पेंडिंग क्या कहा था माननीय राष्ट्रपति जी ने, कहा था जो केसेस पेंडिंग है या जो जेल बंद हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है या पेशी नहीं हो पा रही है सर, तो उनके लिए कुछ आप सोचिए, और जे उनको ना हमारे फंडामेंटल राइट्स पता है ना ड्यूटीज पता है सर, तो उसके बारे में आप सोचिए, अब इसे हमारे देश की तरक्की होगी कैसे होगी, हमारे बहुत जेलें बनने हैं इसको कम करिए। अच्छा। जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है सर, कुछ भारतीय न्यायालय परीक्षा हो जाए हर स्टेट में तो सर कुछ केसेस यहाँ पेंडेंसी कम हो जाए। यस सर, चलिए बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और आगे बताइए। सर इसमें लिखे हैं, एक लिखा आपने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, ये हो गई समस्या आपकी, भर्ती परीक्षा के बारे में हो गया, अगर फिर भी भर्ती कराते हैं तो आवेदन का हिस्सा 30% भर्ती न्यायालय परीक्षा को दिया जाए, फिर सुनवाई होगी। इसका अर्थ बताइए क्या है। जैसे सर जो पैसे जैसे हुए 40 लाख जैसे पेट में आवेदन हुआ था, इसको बहुत करोड़ रुपया हुआ सरकार को सर। अच्छा जी, तो जैसे कोई भर्ती फंसती है तो भारतीय न्यायालय परीक्षा को 30% आयोग दे जिससे उसका काम काज चले। अच्छा, न्यायालय को दे जिससे कि न्यायालय में कार्रवाई। यस सर, उसको दे तो इससे हमारा पैसा भी बच जाएगा सर। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलिए, कोर्ट के केसेस की संख्या कुछ कम होगी, ये हो जाएगी कुछ केसों की सुनवाई, युवाओं को रोजगार मिलेगा सर, भ्रष्टाचार नहीं होगा सर, और भारतीय न्यायालय परीक्षा इसकी निगरानी भी करेगी सर, तो मैंने ये तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं भेज दूँ सर कैसे। इस प्रकार से हमारे सभी राज्यों की समस्याओं का समाधान होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, जैसे सर प्रोटेस्ट होता है सर, धरना, लाठीचार्ज, मतलब क्या है सर। तो क्या प्रोटेस्ट के मामले में क्या विचार है आपके। नहीं सर, नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। यस सर, अच्छा, फिर धरना अपने आप बंद हो जाएंगे सर, और सर बहुत सारी समस्याएं इसमें दूर हो सकती हैं सर, ऐसा। चलिए बहुत अच्छे सुझाव है, भेज दीजिए आप इसको, आपने अच्छा लिखा है, भेज दें सर। हाँ बहुत अच्छा, दूसरा आप जानकारी भी अच्छी है, आप अखबार पढ़ते रहते हैं। यस सर, आप लेटेस्ट जो चीज़ें क्या कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। मैं बी ए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ सर, सीएमपी डिग्री कॉलेज से, आप इसे प्रभावित हूँ। अच्छा, चलिए शाबाश, आप अच्छा लेटेस्ट चीज़ें पढ़ रहे हो। यस सर, सर आपकी बात इनकी बिल्कुल सही है, माननीय राष्ट्रपति जी ने जिस तरह से कहा, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। सर भेज दें सर, और ये सर एक समस्या हमारे प्रिपरेशन में ये आ रही है सर कि मैं थोड़ा हिंदी में मुझे वो चीज़ आती है जैसे कोई चीज़, तो मैं इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ सर। नहीं तो ज़रूरत क्या, तो हिंदी में माध्यम भी तो है, हिंदी माध्यम से लिखिए, इंग्लिश माध्यम भी जैसे आपका इंग्लिश मीडियम है। यस सर, तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा करो, इंग्लिश की बुक पढ़ा करो, इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं सब कुछ सर, लेकिन जैसे लिखना होता है तो पॉजिटिव अप्रोच नहीं अभी हो पा रहा है। वो राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगी जब आप डेली जो लिखोगे क्वेश्चन आंसर्स, खुद क्वेश्चन सोचिए, खुद ही उसके आंसर बनाइए। नहीं सर, मैंने बुक लिया उसके दो दो क्वेश्चन रोज लिखते हैं मेंस का। अच्छा, तो आपका यहाँ आपने 10th कौन से मीडियम में किया, हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम में सर। कहाँ से। मैं यूपी बोर्ड से सर। यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम से।
इंटरमीडिएट भी? यस सर। और उसके बाद ग्रेजुएशन में आपका पूरा इंग्लिश मीडियम है? यस सर। सारी इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ते हो? क्या सब्जेक्ट है आपके? सर इकोनॉमिक्स है, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहेगा। पॉलिटिकल साइंस ले? यस सर। प्लेटो का नाम सुना है? क्या सर? प्लेटो। प्लेटो? यस सर। और मैकियावेली? यस सर। यस सर। क्या है दोनों में, क्या अप्रोच में क्या अंतर था दोनों के? सर ये मैंने थ्योरी पढ़ी नहीं, अभी थ्योरी नहीं पढ़ी, ये पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ लो। मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा, थोड़ा देश के बारे में जानने चाहिए। लक्ष्मीकांत पढ़ लिया? यस सर। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? फोर्थ में सर। नहीं, थर्ड में। थर्ड में सर, सेकंड में सिटीजनशिप। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फोर्थ में सर, 36(51) आर्टिकल 36(51)। चलिए शाबाश, आप कर रहे हो तैयारी, थोड़ी थोड़ी सी अधूरी है, अच्छी करो इसको। यस सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। जय हिंद।